बंद आंखें, पीला कुर्ता, गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर चतुर्भुज टीका। आज इस नन्हे बच्चे की पहचान बन चुके हैं। ये है भीलवाड़ा के गांधीनगर में रहने वाले माधव मंत्री। सब इन्हें छोटा पंडित बुलाते हैं, और बुलाएं भी क्यों ना, माधव के कारनामों के बारे में आप सुनेंगे तो चकित रह जाएंगे। जिस उम्र में बच्चे बोलना सीखते हैं, ठीक से खा नहीं पाते, उस 5 साल की नन्ही उम्र में माधव शास्त्रार्थ करते हैं। आप खुद ही सुन लीजिए माधव की तोतली जुबान में क्लिष्ट मंत्रोच्चार। श्रीमद् भागवत कथा हो, रामचरितमानस हो, रुद्राष्टकम हो या फिर कठिन शिव तांडव श्रोत, इस नन्हे पंडित के लिए सब आसान है। यही वजह है कि माधव ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया है। सितंबर 2012 को जन्मे इस छोटे पंडित का जैसा नाम वैसा ही कारनामा है। मात्र 3 मिनट में शिव तांडव श्रोत सुनाकर रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले इस महापंडित की माँ कहती है कि शुरुआत हनुमान चालीसा से हुई और उसके बाद कई कठिन मंत्रों पर माधव ने पांडित्य पा लिया। धीरे 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 मैंने इसका अभ्यास कराना शुरू करा और 2.5 साल की एज में इसने हनुमान चालीसा पूरा सीख लिया, तब मुझे कन्फर्म हो गया कि मुझे इसको इस चीज में आगे कुछ सिखाना है। कहते हैं होनहार बेरवान के होत चीखने पात, माधव पर ये कहावत पूरी तरह से सिद्ध होती है। कितने साल की उम्र से जो है आपको आने लगे हैं? 2.5 साल की उम्र से। कैसे कैसे सीखे आपने ये टिपिकल वर्ड जो थे उन्हें कैसे याद रख पाते हो, कैसे आपकी रुचि जो है वो इन श्लोक्स की तरफ हुई? स्कूल जाता था तो मेरी मम्मी सुबह ही मुझे लेने याद कराती थी, तब मुझे लेना होगा। माधव के इस कारनामे पर परिवार भी खूब हर्ष कर रहा है। हम परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि हमारा माधव थोड़ा आगे गया है और हम चाहते हैं कि थोड़ा और वो आगे जाए, धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ ही है। स्कूल में भी अचीवमेंट लेता है, अदर एक्टिविटी भी करता है और पढ़ाई भी अच्छे से करता है, स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा है, इसको मेडल्स भी मिलते हैं तो अच्छा लगता है। जाहिर है जिस कच्ची उम्र में बच्चों को आकार देना सबसे मुश्किल होता है, उस उम्र में माधव की तोतली जुबान से निकलते संस्कृत के शब्द आधुनिकता से परे पारंपरिक और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। भीलवाड़ा से दिलशाद खान, जी मीडिया।